बार बार शाम में बहुत ज्यादा उठते हैं, मिर्ची होती है, तो इसलिए और साथ भाई पहले बंदा बाहर से इतनी गर्मी में लेते हैं, इससे अच्छा हमने घर में बनाए है। अभी हम शराब में बनाते हैं और फिर गाइस वो बड़े ज्यादा मजे से होते हैं, तो आज हम शराब में बनाते हैं, आप बनाते हैं, आप तो दिखाएंगे और फिर और गाइस मैं उसको केचप के साथ खाऊंगा और ये भी खाएंगे। अब जल्दी से फिर आप अंदर जाते हैं, रेसिपी बताते चलते हैं, चलो ए फ्यू मोमेंट्स लेटर। इधर हम भी आए हुए हैं और साथ में ये मेरी हाला ने चाट दिया जो उनका शरवान में बनाए थे, और ये है केचप मायोनीज और साथ में दूसरी केचप मायोनीज और ये टमाटर बंद गोभी, मटर बंद गोभी और चिकन, ये चिकन और वो भी है बंद गोभी और साथ में प्याज और साथ में मायोनीज और साथ में दूसरी केचप और ये वाला आटा गूंदा हुआ है, धुना हुआ है जिससे हम रोटी बनाते हैं शुमार में बनाएंगे। तो आज हमने थोड़ी बहुत रोटियां बना ली है। हाँ जी मम्मा के नाम है, जब वो बार बार शाम में बहुत ज्यादा उठते हैं मिर्ची होती है, तो इसलिए हम और साथ भाई पहले बंदा बाहर से इतनी गर्मी में लेते हैं, इससे अच्छा हमने घर में बनाए है। और अगर आपको रेसिपी चाहिए कमेंट में जरूर बताना, फिर हम आपको रेसिपी दे दें, लाइक सब्सक्राइब कर देना रोटियां बता भी चुके हैं, रोटियां बता रहे हैं, रोटियां बना चुके हैं, अब इसके ऊपर डाल रहे हैं मायोनीज, फिर हम मायोनीज के अंदर डाले दे ये चिकन, फिर हम इसके ऊपर थोड़ा सा सलाद डाल दे, फिर केचप और फिर ये हम इसको तर दे दे बंद। गाइस हमारा शुरमा बन चुका है और ये आप अपने घर में बनाए बहुत ज़्यादा मज़े का बनता है। तो गाइस अगर आपको टीफुल रेसिपी चाहिए जल्दी से हमें कमेंट में बताएं, फिर हम आपको टीफुल रेसिपी भी दे दे दे। मेरी फेवरेट चीज़ आती है बताओ कैसा बने? बहुत मजेदार बने, मेरी हाला ने बनाया है, इसलिए मजेदार था। तो इतना मीठी होती है उसमें, इसमें कोई नहीं है इतनी मीठी, थोड़ी बहुत है। पूरी रेसिपी चाहिए तो कमेंट में हमें जरूर बताना, मैं बोल चाय तो नहीं है, हाँ यहाँ चाय तो नहीं है। अभी वो चुप होने वाला है। लाइक कर देना।